नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से तबस्सुम अली नाम की एक महिला मोटरसाइकिल से अकेले ही 80 दिनों की भारत भ्रमण पे निकली है। तबस्सुम अली के इस जज्बे को पटना वासियों ने सलाम किया है। आपको बता दें, तबस्सुम ने इस यात्रा की शुरुआत एक स्लोगन के साथ किया है और वो स्लोगन है, अकेले हैं लेकिन कमजोर नहीं। क्या है मुख्य आपका उद्देश्य? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि ये राइड जो है, राइड फॉर सिंगल वुमेन, एकल महिला के लिए राइड है ये। और एकल मेरा जो संदेश है कि एकल महिला के प्रति समाज को अपनी सोच बदलनी होगी कि ठीक है, हम अकेले हैं बट नॉट अवेलेबल, हम अकेले हैं लेकिन कमज़ोर नहीं हैं। ये कुछ स्लोगन के साथ में ये यात्रा की शुरुआत करी और साथ ही मेरा शांति का भी संदेश होगा कि हमारे भारत देश में शांति बनाए रखे, अपने भाईचारे से लोग रहे। तो बस यही संदेश के साथ में 80 दिनों में 45,000 किलोमीटर की यात्रा तय। रूट कौन सा रहेगा? रूट मेरा बिहार से यूपी, उत्तराखंड, फिर हिमाचल, फिर जम्मू, फिर वापस ही मैं दिल्ली जाऊँगी, दिल्ली से फिर हरियाणा, पंजाब, ये सब उत्तराखंड से फिर वापस। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए द एसटी न्यूज़ के साथ।